क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में जाति नंबर 22 का हुआ विरोध, ट्रांसजेंडरों की आपत्ति का हम जाति नहीं जेंडर बेस पर 1% आरक्षण दे रही सरकार। गया में 9 अप्रैल को होगा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, 2024 चुनाव में दमखम दिखाने के लिए तैयारियां शुरू। नालंदा शहर में राजनीतिक दलों का दौरा हुआ शुरू, सभी जगह पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सहरसा में बिहार बोर्ड परीक्षा की टॉपर को मिला सम्मान, बीजीओ और बीईओ ने टॉपर को किया सम्मानित। गया में भाजपा के नवनिर्मित एमएलसी बने अवधेश नारायण सिंह, एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। पूरे देश में किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर की पहचान थर्ड जेंडर के रूप में होती है, लेकिन बिहार में उन्हें जाति के रूप में पहचान दी गई है। जाति का कोड है 22, इसका थर्ड जेंडर समुदाय विरोध कर रही है। बिहार में किन्नर की प्रतिनिधि रेशमा ने कहा कि हम ट्रांसजेंडर किसी भी जाति के खेमे में नहीं है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिहार सरकार जाति के आधार पर पहचान दे रही है, जो बिल्कुल गलत हो रहा है। रेशमा ने कहा कि ट्रांसजेंडर एक लैंगिकता है, इसके बाद सरकार हमें जाति के रूप में आइडेंटिफाई कर रही है, सरकार की यह हरकत जाहिल वाली है। उन्होंने सरकार से जेंडर बेस पर 1% आरक्षण की मांग की है। गया में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अवधेश नारायण सिंह की जीत हुई, लगभग 800 वोटों से उनकी जीत हुई है। उन्होंने राजद प्रत्याशी पुनीत को शिकस्त दी है। जीत के बाद उनके समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और इस दौरान नवनिर्वाचित एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि यह हमारी जीत नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं, समर्थकों और भाजपा की जीत है, इसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कार्य क्षेत्र की बात कर, कार्य क्षेत्र देखिएगा, आज थोड़ा आराम करना है प्रवक्ता। इस बार कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ा। कांटे की टक्कर तो महसूस नहीं की, टक्कर तो रहता ही है, कोई लड़ाई होती है तो टक्कर रहता है, और जब आदमी जीत के आता है तो लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आए हैं, और टक्कर बहुत बड़ा टक्कर था, लेकिन ठीक है, सब मार्केट होगा। अवधेश स्नातकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्नातक रोजगार हैं, वोट देना बढ़िया से सीखे, रिजेक्शन कम। गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार ने जीत हासिल की है। मतों की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार ने 3005 मत हासिल किए हैं। वहीं उन्होंने भारी मतों से अपने करीबी प्रत्याशी महागठबंधन के जदयू समर्थित 2 बार के विजेता संजीव श्याम सिंह को शिकस्त कर दिया है। इस संबंध में नवनिर्वाचित एमएलसी जीवन कुमार ने बताया कि शिक्षक मतदाता का अपार समर्थन मिला है, सभी को आभार व्यक्त करते हुए जीतने के बाद जीवन कुमार ने मंदिर में पत्नी संग पूजा अर्चना की है। खास करके उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, जो भी सरकारी बेनिफिट है सब मिले,
जो भी हमको सरकार दो या पेंशन दिया जाए, सम्मान दिया जाए। वित्तीय मामला तो नहीं है, गैर वित्तीय मामला है, उसमें भी सरकार हमेशा यह करती है द्वयम दर्जा का कर्मचारी अपना समझता है। समर्थकों को क्या कहना समर्थन दिए हैं, वित्त रहित शिक्षक हो या बिहार के गरीब पिछड़े वंचित वर्ग के बच्चों की भविष्य का सवाल, अतः सरकार शिक्षा नीति में सुधार लाए और उसके बाद 2024-25 शिक्षकों के भविष्य का सवाल है या बच्चों के भविष्य का सवाल, बच्चों का भविष्य का सवाल है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में वित्त रहित विद्यालयों में अधिकांशतः गरीब, और हम इसके लिए हम अपने सभी समर्थकों को, अपने सभी अभिभावकों को और जितने भी हमारे साथ अभिभावक थे, समर्थक थे, हमारे साथी थे, सबको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि सभी ने हमारा समर्थन किया, आशीर्वाद दिया, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम धन्यवाद देते हैं जी। चूँकि हमारे सनातन धर्म में हमारे पूरे परिवार को आस्था है, इसलिए चुनाव जीतने के बाद हम मंगला गौरी मंदिर और विष्णुपद मंदिर में आए और दर्शन किए, और दर्शन के बाद अब आगे का कार्यक्रम अपना करेंगे। और आपके चैनल से हम संदेश देना चाहते हैं कि ये चुनाव जो है, जो जीत हुई है, ये हमारी भगवान बुद्ध ज्ञान कर्मभूमि गया जिला में मिशन लोकसभा 2024 के तहत भारत जन जागरण दल पार्टी द्वारा 9 अप्रैल को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बाबा साहिब अंबेडकर एवं बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की भव्य जयंती मनाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चौरसिया वर्ग के लोगों को भारी संख्या में सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपील की है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव व 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी ताकत के दमखम दिखाने के लिए एकजुट होने की बात कही है। इसी संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि गरीब, पिछड़े, शोषित मजदूर को न्याय मिले, हर बिहारी का जन्मसिद्ध अधिकार है। कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है, हम लोग राजनीति पटल पे आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, और आगामी 2024 और 2025 लोकसभा और विधानसभा चुनाव की हम लोग तैयारी में लगे हैं। चुनाव लड़ना चाहिए, अलग पार्टी बनानी चाहिए। बिल्कुल सर, आज हम लोग के जो उद्देश्य हैं, वंचितों, पिछड़ों समाज जो हमारा आज पिछड़ रहा है राजनीतिक पटल पे, तो हम चाहेंगे कि इस माध्यम से हमारी राजनीति। गया में ब्रह्मा कुमारी सेवा स्थान ज्ञान सूर्य भवन एटी गेट कलेर के द्वारा 5 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान में बाइक रैली संस्था के संचालिका के नेतृत्व में जागरूकता रैली की शुरुआत 2 अप्रैल से होकर 6 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। इसी कड़ी में रैली निकाल कर लोगों को संदेश दिया गया कि यातायात के नियमों का पालन करें। खबर मसौड़ी से है, जहां तारेगना स्टेशन परिसर में कचड़े से धुआं उठ रहा है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है, तो इस आग लगी की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में मसौड़ी में आग लगी की कई घटना सामने आ चुकी है। कूड़े कचरे से लगातार उठ रहा धुआं आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कुछ देख कर GRP पुलिस और RPF मूक दर्शक बनी रहती है। भागलपुर में प्राथमिक विद्यालय दुलदुलिया की सहायक शिक्षिका के द्वारा बच्चे का शोषण करने का मामला सामने आया है। प्राथमिक दुलदुलिया स्कूल, जहां प्रधानाध्यापिका रीता सिंह कार्यरत है और यहां कुल 6 शिक्षक पदस्थापित हैं। मुखिया स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे तो वहां 6 शिक्षक में से एक शिक्षिका पाई गई। वहीं बच्चों ने शिकायत की, मैडम मोबाइल से व्यस्त रहती है, ना ही खाना बनाती है और ना ही शिक्षक समय से आते हैं, शिक्षक अपनी मनमानी करते हैं। इतना सुनकर मुखिया स्कूल से निकल गए। मुखिया के जाने के बाद जिस बच्चे ने शिकायत की थी, उस बच्चे को शिक्षिका ने बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और शोर मचाने लगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया, हम लोगों के बोलने पर शिक्षिका केस करने की धमकी देती हैं। जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है, उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है।
चावल 20 किलो, सब्जी 10 किलो, आधा आधा बात नहीं पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? खाना रसोईया है आप? खाना बनाता है। 200 बच्चा का सर बोले 210 बच्चा है, आप बोल रहे हैं 200। आप बनाए 200 और 210 कैसे बढ़ गया बाद में? एक बच्चा में कितना दाल और चावल लगता है? बच्चे को जो मारा है वाजी बात बोलने में उसके ऊपर टीचर जो मारा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या परेशानी होती है आपके समाज के? बहुत हम लोग को परेशानी है, यहाँ पर देख रहे हैं कि टीचर यहाँ पर बराबर आता नहीं है। 6 टीचर है, उसमें 6 में एक आया है, कोच का यही धंधा है। स्कूल का क्या नाम है? काहे मैडम मारी तुमको? बोला ना कि बच्चा से पढ़ाई ना होता है, बस सबको गया हमको मारने लगा। कौन मारा? मैडम ने। क्या नाम है मैडम का? नाम नहीं बताया सर। चिकन में कौन आया हुआ था? जो अंडा कभी दिया जाता है? अंडा सब्जी और चावल अंडा कभी दिया ना जाता है? कहियो ने कितना दिन से अंडा नहीं देते हैं? कहियो ने जब से स्कूल खुल रहे कहियो ने? कभी नहीं सर। तेरा नाम की है? जी चेक इन करने आए आपके स्कूल में ओलापुर के मुखिया, और मुखिया जी ने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया पढ़ाई नहीं होता है, और मुखिया जी के जाने के बाद आपने बच्चे को भरपूर पीटा, क्यों? तो बच्चे को कौन मारा? कोई नहीं मारा। कितना टीचर यहाँ आज उपलब्ध? आज कितना टीचर यहाँ आए हैं ड्यूटी पे? जी अकेले हैं तो बच्ची बोल रही है कि हमको मारी मैम? नहीं मारे हैं। जैसे बच्चे का वो कुछ निशान में चोट लगने को दिखा रहे थे। बच्चा आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक बच्चा यहाँ पे आया था एक दिन, उसका नाम पूरा टूटा। इतना कहानी नहीं सुनना है हम लोगों को। ये बताइए आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 6 टीचर। 5 टीचर कहाँ गए? वो डिटेंशन में है, 3 का ट्रेनिंग है। कहाँ जा रहे हुआ? कौन सा इस क्लास में हो? क्या खाना खा रही हो? चावल और सब्जी। ये प्लेट कहाँ से मिला है? सरकार दिया है। बिहार शरीफ में हुए उपद्रव को लेकर स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। शहर में 8 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। आपको बता दें कि शहर में धारा 144 भी लागू रहेगी। उपद्रव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा का बिहार शरीफ में आगमन होने जा रहा है। बीजेपी के दोनों नेताओं के आगमन पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार शरीफ की धरती सूफी संतों की धरती रही है, और इस धरती से पूरी देश और दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश भी दिया है। अगर यहां आकर कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो बिहार शरीफ की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे पूरी देश और दुनिया में संदेश गया है, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का, आपस में मिलत का। यहाँ पर कोई आकर के सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग आते हैं जाते हैं, आना चाहिए जाना चाहिए। समाज में तनाव को कम करने की बात कहनी चाहिए, सोचनी चाहिए। एक और बिहार शरीफ में पिछले 31 मार्च को दो पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई। हालत बिल्कुल कर्फ्यू जैसे है, लेकिन गांव में आज भी लोग बिंदास होकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बिहार शरीफ में हुए हिंसा का गांव में किसी प्रकार का असर देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि शिव मंदिर के पास 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होगा। इस आयोजन के पहले ही पूर्व कलेश
आपको बता दें कि पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 251 महिला श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश लेकर पूरे पंचायत का भ्रमण किया और इस मौके पर कथावाचक श्याम शुभम महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किया गया है, हम लोग श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं और ये परम सौभाग्य है यहाँ ग्राम का और समस्त लोगों का जो इस कार्य में, इस पुण्य के कार्य में सभी लोग अपना भाग ले रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है इस कथा के द्वारा सभी जन जन में, प्रत्येक व्यक्ति के पास और प्रत्येक घर में जा जाकर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में किसी प्रकार से सत्य सनातन धर्म की जागृति करें और किसी प्रकार से सभी लोगों के हृदय में राम और कृष्ण के प्रति प्रेम बना रहे। राधे राधे। हमारा नाम, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार शरीफ में पिछले 31 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हिंसक झड़प के बाद लगातार पूरे संवेदनशील इलाकों में पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही है। डीएम शशांक शुभंकर, एसपी अशोक मिश्रा, एसडीओ अभिषेक पलासिया समेत सैकड़ों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स रात्रि में भी सुनसान सड़कों पर गश्त करती नजर आ रही है। शहर में धारा 144 लागू की गई है। एसडीओ बिहार शरीफ सदर डीएसपी के द्वारा बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल के जवानों को उनके कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाते हुए देखा गया। ओवर इंसिडेंट ना हो जाए इसलिए सभी पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट जो हैं, तो पैदल गश्ती है, फिर गाड़ी से गश्ती है, उसके ऊपर हम सभी एसडीएम, एसडीपीओ, डीएम सर, एसपी सर सब गश्ती कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। उसके अलावा जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है चाहे किसी भी टाइम मिले, हम खुद जाके सभी वेरीफाई करते हैं। रामनवमी जुलूस की वारदात के बाद शहर में अमन कायम हो गया है, मगर अभी भी कई इलाकों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। खासकर नेताओं के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की सियासत से इस वारदात को दूर रखी जाए। सीमा सुरक्षा बल के जवान, बिहार पुलिस पूरे शहर में गश्त लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा 8 अप्रैल तक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। इलाके में धारा 144 को भी सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। बिहार जिले में पहली बार शुरू होने वाले प्रतिष्ठित चैनपुर कबड्डी लीग की ट्रॉफी का अनावरण हुआ। 4 फीट ऊंची भव्य ट्रॉफी के अनावरण के समय कबड्डी लीग कमिश्नर व अप्रवासी भारतीय निरंजन ठाकुर के साथ रूबरू मिस्टर इंडिया नील आर्यन
ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व एक भव्य कार्यक्रम में सीकेएल की जर्सी भी लॉन्च की गई थी। सीकेएल कमिश्नर निरंजन ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि सीकेएल के सभी मैचों का प्रसारण अधिकार स्पोर्ट्स पेट को मिला है, जहाँ पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन और इसकेस मोबाइल ऐप पर लाइव प्रस्तुत रहेगा। अंडर 14 आयु वर्ग के बच्चों को भी इस खेल के आयोजन में शामिल किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग ले सके। उन्होंने बताया कि सीकेएल प्रतियोगिता में कुल 13 मैच का आयोजन 7 से 9 अप्रैल को किया जाएगा। में इस टाइप के जो आयोजन है वो रेगुलरली होने चाहिए, क्योंकि इससे एक जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है बच्चों में, लड़कों में, वो भी बढ़ता है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका विजन है कि हम जो अंडर 19 लड़कों को हम ले रहे हैं, उनको आगे एक दो सालों में ग्रूम किया जाए और फिर जो प्रो कबड्डी है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा होने पर हमारे जो बिहार के प्लेयर्स हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की अपने लाइफ में। और एक गेम फाइनल, और वो जो आपको लीग गेम होगा वो कल यानी 7 तारीख को 4 गेम, फ्राइडे को, सैटरडे को 4 गेम और संडे को 4 लीग गेम और एक फाइनल होगा आपको रात में। इस तरह का आयोजन पूरे बिहार में पहली बार आप ग्रामीण स्तर पर करवा रहे हैं, आखिर क्या मकसद है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जहाँ तक पहली बार हो रहा है ये तो हम कन्फर्म नहीं कर सकते, ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन हमारा मकसद यही है। सहरसा में सौर बाजार अंचल कार्यालय हमेशा विवादों के घेरे में रहा, जिसको लेकर कई पंचायत समिति सदस्य ने सौर बाजार अंचलाधिकारी पर कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अंचल क्षेत्र के सैकड़ों रैयत अपने जमीन के दाखिल खारिज करवाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनका काम समय पर नहीं हो पाता है। इससे पहले भी अंचल कार्यालय के वरीय कर्मचारी जमीन मापी और दाखिल खारिज के नाम पर रुपए की मांग कर रहे थे, जिसे जांच के बाद जिला प्रशासन द्वारा उसे हटा दिया गया। इसके बावजूद भी अंचल कर्मी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं। द्वारा मनमानी किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग के पास आता है समस्या, इसलिए हम लोग ऐसे पदाधिकारी के ऊपर, उच्च स्तरीय पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी को यहाँ से हटा दिया जाए। क्या क्या समस्या आता है अंचलाधिकारी के द्वारा? जैसे दाखिल खारिज हुआ, म्यूटेशन हुआ, इसके लिए परेशान रहता है। सहरसा में सौर बाजार नगर पंचायत के निवासी संजय कुमार गुप्ता की पुत्री मिठी कुमारी ने इस बार के बिहार बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में 7वीं जगह बनाकर अपने परिवार सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इसको लेकर स्थानीय प्रतिनिधि और अधिकारी द्वारा मिठी कुमारी को सम्मानित करने की होड़ सी लग गई है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि एक बेटी होकर राज्य स्तर पर बाजी मार लेना सहज बात नहीं होती है। मिठी कुमारी अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा दादी सहित पूरे परिवार को देती है, जिन्होंने उसे पढ़ाई पूरी करने का पूरा समय दिया। उसके बाद ही कुमारी के सफलता की बात सुनकर सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी नेहा कुमारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। यही है कि हमको गौरव की बात है कि हमारे सौर बाजार से 1-10 में स्थान बनाई है, 7वां स्थान लाई है। हम चाहेंगे कि आगे भी ये अच्छा करे और 1-3 में स्थान बनाए और इसका जो भी एम है वो पूरा हो, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे आप लोगों का। हाँ, तो आप यहाँ के अधिकारी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? हम बस ये कहना चाहेंगे कि आगे जिस चीज़ में भी उनका मन लगे, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहें, इसरो में जाना चाहें, चाहे वो एक डॉक्टर बनना चाहें या एक सिविल सर्वेंट ही बनना चाहें, उसी में अपना पूरा 100% दें और जब तक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं तब तक विवाह आदि का ना सोचा जाए, ये हमें हमारा उनके परिवार से भी अनुरोध है।
सरकार सरकारी विद्यालय में पठन पाठन सहित सरकारी योजना धरातल पर कैसे उतरे, इसको लेकर सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था का मौजूदा हाल बेहाल है। यहाँ स्कूल का सिस्टम प्रचार और शिक्षकों की मर्जी पर चलता है। बच्चे कब आएंगे और बच्चे कब जाएंगे, मध्याह्न भोजन कब खिलाया जाएगा, ये सारा इन सभी की मर्जी से विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों के द्वारा होता है। ऐसे में कैसे शिक्षा व्यवस्था भला कैसे बेहतर होगी, ये काफी सोचने वाला विषय है। आपको बता दें कि ताजा मामला सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के मध्य विद्यालय बिजलपुर का है। जब इस विद्यालय का पड़ताल करने प्राइम टीवी की टीम पहुंची तो 11 बजे स्कूल के क्लासरूम और ऑफिस में ताला लटका हुआ था। विद्यालय परिसर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। मध्य विद्यालय की यह स्थिति कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित करती है। अब देखना यह होगा क्या यह सिस्टम बदलेगा या फिर ऐसी ही मनमर्जी से स्कूल को चलाया जाएगा। दूर दूर तक आज मॉर्निंग का टाइम है, आप 11 बजे आए हैं, आप देखिए कि स्कूल में कोई है, आज क्या चीज का छुट्टी है? छुट्टी नहीं है, नहीं है छुट्टी, लेकिन आज ये लोग छुट्टी करके इस तरह से हर रोज ऐसा होता है। हर रोज क्या मान के चलिए महीने में ये लोग 5 ऐसी छुट्टी करता है। कौन स्कूल है ये? मध्य विद्यालय बिजलपुर है। क्या कहना चाहिएगा? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इसको दुरुस्त करे, इसमें जो टीचर लोग है उसको समझाए, वो टाइम पर आए, बच्चा को अच्छा शिक्षा दे। सामान है स्कूल क्या है? बंद है स्कूल तो अभी लग रहा है बंद है, अब पता नहीं। कितनी देर से आप यहाँ पे रुके हुए? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, किनको सामान देना है ये? जिनको सामान, अब हमको तो उतना मालूम नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल को ही देना है? हेड मास्टर का सामान होगा, हेड मास्टर को ही देना है, लेकिन स्कूल बंद है। स्कूल बंद, संपर्क नहीं हो पा रही है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सागर भगत हुआ। इसकी जांच हम अविलंब करेंगे और आज की कार्रवाई के लिए इसका एक दिन का वेतन बंद करेंगे। खेल सामग्री जो सरकार के द्वारा दिया गया है हर विद्यालय को, अभी ई रिक्शा तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पे लग, क्या सजा सर मिलेगी? एक दिन का उसका वेतन आज का तो काट ली ही जाएगा। सुपौल में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि हथियारों का जखीरा के साथ पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी शिवनगर में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। एस आई रामाशंकर एवं थानाध्यक्ष छातापुर राम इकबाल पासवान तथा DI के टीम के सदस्यों के साथ एक संयुक्त दल छापामारी दल नियुक्त किया गया और उसके बाद छापामारी दल के द्वारा शिवनगर गांव पहुंचकर वहां छापेमारी किया गया तो उसमें 6 अपराधकर्मी वहां पर एकत्रित थे। उन लोगों के पास जब तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से 8 कंट्री में हथियार और कुछ 22 .315 का जिंदा गोली और सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडलीय मुख्यालय के पास मोबाइल दुकान में चोरों के गिरोह ने डकैती डाली और इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने डकैती करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और छापेमारी के दौरान चोरी की गई लाखों रुपए के मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। 6-7 लाख रुपए की वर्थ मोबाइल्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स और कुछ TV और कुछ कीपैड मोबाइल्स, ये सब चोरी हुआ है। घटना होने के बाद तुरंत FIR रजिस्टर करते हुए ये लोग अनुसंधान शुरू किए थे। हम इसका डिटेक्शन और अरेस्टिंग के लिए हम SDPO बीरपुर के नेतृत्व में एक SIT भी गठन किए थे, जिसमें करजैन थानेदार और राघोपुर थानेदार और भीम नगर थानेदार, ये सब उसमें मेम्बर्स थे। और ये लोग कुछ टेक्निकल एनालिसिस किए थे जो मोबाइल चोरी हुआ था।
दबंगई का आलम बरकरार है, जिसके चलते एक परिवार पल पल दहशत में जीने को मजबूर है। पूरा मामला बक्सर जिले के चौसा गोला का है, जहां कुछ दबंगों के द्वारा स्थानीय निवासी के घर के आने जाने का रास्ता ही अपने कब्जे में ले लिया। हतोत्तब हो गई जब पीड़ित परिवार ने इस मनमानी का विरोध किया। बता दें तो दबंगों ने सबके सामने पूरी तरीके से परिवार को पीटा। पूरे मामले के बाद पीड़ित ने बताया कि जब इस घटना की शिकायत हमने स्थानीय थाने में दी तो उसके बाद से दबंगों के द्वारा बार बार धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते हमारा पूरा परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के नंदपुर खोड़ी के मोहल्ले में एक घर में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैलने लगी, जिसके बाद देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगने लगा। मौत को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं, जबकि मृतक की बहन ने अपनी भाभी पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समझी के उनका उससे कोनो ऐसा खाई से लोगों का बात बा निवेदन बा लोग का वो लोग का खाई भाई के हमारे मुँह पर चिन्ह थका कर लो गर्दन पर सब चिन्ह लगल बा मार के और लोग बड़े संबंध बा समझी के के कर समझी साहब के और के कर उनका पत्नी के मनोज सिंह के पत्नी के आगे थाना में आवेदन दे देल बनी। हाँ दे देल बनी। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।